कि आप सब खैरियत से होंगे। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो व्यूअर्स, में सबसे सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने चैनल सब्सक्राइब करना, या मेरा या किसी का भी चैनल, या किसी के चैनल पर ज्वाइन करते हैं या किसी को, तो आप प्लीज़ वीडियो वॉच करके फिर सब्सक्राइब किया करें। कम से कम 3-4 मिनट की तो वीडियो आप वॉच करके तो फिर आपने वो सब्सक्राइब किया करें चैनल को। तो जब से मुझे पता चला ना इस तरीके कार का, तो मैं भी चैनल वो मैं भी किसी का ज्वाइन करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करती हूँ, तो वीडियो वॉच करके मैं भी फिर सब्सक्राइब करती हूँ जब से मुझे पता चला है। तो सब्सक्राइब तो आप लोग करके चले जाते हैं वीडियो वॉच करने के बिना, तो मगर बाद में वो सब्सक्राइब गिर जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपके पास सब्सक्राइब किया होता है, मगर हमारे पास सब्सक्राइब नहीं आता, वो बाद में गिर जाता है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे सब्सक्राइब बहुत ही ऐसे ही गिर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा गिर रहे थे, तो इतने बढ़ते नहीं जितने गिर जाते हैं रोज़, तीन चार गिर जाते हैं। इसकी वजह यह है कि बिना वॉच किए कि सब्सक्राइब कर जाते हैं, तो इसलिए वो बाद में गिर जाता है। आप सब्सक्राइब किया होता है, आपके पास वीडियो मिल जाती है, आप वॉच भी करते हो बाद में, मगर बाद में कोई फ़ायदा नहीं है सब्सक्राइब करने का। इसलिए तो आप विजिट करना, तो यूट्यूब पर सर्च करना, तो इसका क्या मतलब है तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मुझे पहले पता नहीं था, मुझे अब पता चला, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, बट आप सबको बता रही थी, तो वो भी जैसे मैंने आज किया तो कल आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, और दोनों एक दिन में सब्सक्राइब नहीं करें। इतनी मालूमात मुझे जब से पता चले तब तब से मैं सबको यही बता रही, जब किसी को तो पता होगा किसी को नहीं पता होगा, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही थी। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में क्या करते हैं। ये देखे व्यूअर्स, ये आया है एक नया शेफ हमारे घर में, ये सारा खाना पकाना जानता हो, ये हॉस्टल में रहता था ना, तो वही ये काम कुम करता था, कपड़े धोना वगैरह सब कुछ सिखाते हैं, खाना पकाना भी। और अभी ये देखे आलू की टिक्कियाँ बना रहे हैं अपने लिए अंडे में तल के। बेसन लगा के आलू की टिक्कियों के फिर अंडे के अंडे में डाल के फिर इसमें ये हो रही है फ्राई कढ़ाई में। ये बहुत अच्छी बिरयानी भी बना लेते हैं, तो कभी ये बनाएंगे तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, ये बिरयानी बनाएंगे तो आपसे ज़रूर दिखाएंगे, शेयर करेंगे। अभी तो ये आलू की टिक्कियाँ बना रहे थे, गोलू को गिर जाएगी, नहीं करो। ये हो रहा है दोपहर का टाइम। टीशा क्या खा रही, अरमान भी देखे बैठा हुआ है, ये बच्चे भी बैठे हैं। चल ला, हो तो डरा रहे, चिप्स बना रहे, डरा रहे हो मैं। पुष्पा, पुष्पा की आत्मा आ गई जीजू में, जीजू बना रहे हैं छुटे छुटे, आ नहीं रही तो डर रहे पहले से। सही है, नहीं यार मजाक नहीं करना यार। थोड़ा कम करते ना चूल्हे की आंच, थोड़ी कम करते। तो व्यूअर्स आपका हम दिखा रहे हैं, आज ही दोपहर का टाइम है, और ये हो रही है बच्चों की थोड़ी सी छोटी सी पार्टी चिप्स के साथ। बच्चे बहुत इंजॉय, बच्चे बहुत शौक से चिप्स खाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो चिप्स ही आज बना लेते हैं, रोज़ ही तो कुकिंग करके दिखाते हैं, तो आज चिप्स बना कर दिखा देते हैं। बच्चे भी खुश, बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश।
करते पुष्पा। ये देख रहे विवश जीजू क्या कर रहा है, पुष्पा स्टाइल में बना रहे हैं चिप्स, ये देख सकते हैं आप। और ये देख ले, ये ना बहुत अच्छा कुक है, अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। बस बस थक जाओगे। और ये देखे बस ये हो गया है कढ़ाई अंडा तैयार। ये कढ़ाई अंडा था, ये बेसन में पका है अंडा कढ़ाई। एक मिनट। तो अभी बस ये देखिए हमारी रेसिपी हो गई है तैयार, कढ़ाई अंडा भी बन के हो गया है तैयार, चिप्स बनी हुई है, ये बच्चे अब कर रहे हैं एंजॉय, खा रहे हैं। ये स्टीशा, ये गोलू है, चिप्स है, ये कढ़ाई अंडा है और साथ में है भिंडिया का सालन जो मैंने बनाया था, मैं लेकर आई थी वो, मेरी मुझसे छोटी मेरी बहन है, ये जीजू है, ये तिशा आपको दिखा रही है, अरमान भी खा रहा है। अरमान